एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल गरमाया है, चाहे वो ताजमहल हो या ज्ञानव्यापी मस्जिद हो या कुतुब मीनार हो, इसको लेकर के आज बदायूं जनपद की जनता की राय जानेंगे कि ताजमहल पर और ज्ञानव्यापी मस्जिद पर क्या मामला है और उनकी उनकी राय क्या है। आज हम पहुंचे हैं मार्केट में और हमारे साथ यहाँ की जनता और वो क्या चाहती है, उस पर क्या राय है, क्या जो ताजमहल और ज्ञानव्यापी मुद्दा जिस तरह से उखड़ा है, तो क्या आपकी क्या राय है? ज्ञानव्यापी जो है, ज्ञानव्यापी वो तो अपने हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है। अब से 1600 वर्ष पहले, लगभग 350 वर्ष पहले 1669 की बात है, इसे विश्वेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद औरंगजेब ने इस पे आक्रमण करके मीनारें ऊपर धरी हैं, उसके बाद में ये मस्जिद का रूप दिया गया। ऐसे ही अयोध्या का मैटर है, अयोध्या में भी भगवान श्री राम की जन्मभूमि जो थी उसके लिए तोड़ के बाबरी मस्जिद का रूप दिया गया था। तो जितने मुस्लिम आतंकवादी आए थे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया है। अच्छा, जिस तरह से ताजमहल का 20 कमरे खुलवाने का मुद्दा चल रहा है, कोर्ट ने ये कह दिया कि आप PhD करके आओ, उस पर क्या आपका विचार है? मैं तो ये जानना हूँ, ताजमहल में ऐसी क्या खास बात है जो जिसको इतना प्रचारित किया जा रहा है? अगर ताजमहल इतना ही खूबसूरत है तो हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिरों को देखिए, जिनमें दो दो तीन तीन हज़ार वर्षें हो गई, आज तक उनमें पेंट नहीं हुआ और उनकी खूबसूरती ताजमहल से कई गुना ज़्यादा है। तो ताजमहल और ज्ञानव्यापी मस्जिद जिस तरह से मुद्दा चल रहा है, तमाम तरह के विचार लोगों के हैं, लोगों ने याचिकाएँ डाली, तो उन पर यहाँ की बदायूं की जनता, आपका क्या राय है उस पर? देखिए, ज्ञानव्यापी कोई मस्जिद नहीं है। इसका जो प्रचार हो रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद, ये मस्जिद नहीं है, ये पहले मंदिर था। आज भी उसके अंदर जो है मंदिर के ही अवशेष हैं बकाया, उस पर तोड़ने के बाद मस्जिद के ढांचे बना के और उस पर नमाज शुरू कर दिए, और वो आज भी मंदिर है, पहले भी मंदिर था, और उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, जो ज्ञानव्यापी मुद्दा चल रहा है, ताजमहल का मुद्दा चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, जो भी मुग़ल आक्रांताओं ने हमारे देश में हिंदुओं पर अत्याचार किए, ये सब उनकी निशानी है। जबरन कब्जे करना, धर्मांतरण करना, और इस तरह से जो भी हमारे मंदिरों को तोड़ के उन पे ये गुलामी की निशानियां बना दी गई, एक झगड़े की जड़ कायम कर दी गई, और पूरा समाज क्या, पूरा विश्व समुदाय जानता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों पर अत्याचार हुए हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि पूरी बिरादरी में एक भी सत्य ईमान और धर्म से ये बोलने वाला नहीं है कि हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं, हम उनकी चीज़ें उन्हें वापस करते हैं। क्या पूरी कौम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सारी बिरादरी के अधर्म के रास्ते पर चल रही है? एक धर्म होता है, ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है। क्या लोगों को कबूल करना इतना महंगा पड़ रहा है? अरे, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, उसको नहीं बदला जा सकता। जी बिल्कुल, जो मुद्दा यूपी में इस समय गरमा रहा है, मस्जिद, ताजमहल, क्या मामला है, क्या राय क्या है आपकी? राय यही है, आज तक जो भी हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, आज तक कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सही और सटीक दिया। इससे पहले लोगों ने कहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ज्ञानव्यापी मुद्दा जो आप बता रहे हैं या ताजमहल वाला केस बता रहे हैं, तो इसमें भी वही होगा जो दुनिया जानती है, और सनातन धर्म की ही जीत होगी, सत्य की जीत हमेशा हुई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद और ताजमहल और कुतुब मीनार के को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए जनता से ही जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं जो इस तरह के मुद्दे देश में उभर कर आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो ज्ञानव्यापी मंदिर वाराणसी का मुद्दा है और आगरा ताजमहल को लेकर तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं, कुतुब मीनार को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर जो है आप क्या सोचते हैं? ज्ञानव्यापी मस्जिद कब बनाई गई इसकी जानकारी तो हमें पूरी नहीं है, न ताजमहल की जानकारी है कि कब बनाई गई। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी है संविधान द्वारा किया गया है, और संविधान धर्मनिरपेक्ष भारत देश है, इसमें सभी धर्म के लोगों को जीने का अधिकार है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग साथ में चलते हैं। आप क्या मानते हैं इन मुद्दों को लेकर? इन मुद्दों पर देखिए, ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को जानकारी नहीं है। अगर ताजमहल का नाम बदला जाता है तो ये गलत है, क्योंकि ताजमहल ये बहुत पुराने लोगों ने बनवाया है। और रह गई कि जो लोग जा रहे हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि इसको नाम बदला जाए, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ताजमहल जो बनवाए हैं वो लोग अच्छा काम किए हैं।
क्या मानते हैं कि जो इस तरह के मुद्दे जो है उभर कर आ रहे हैं, गर्म हो रहे हैं इस समय, उनको उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, गर्म जो मुद्दा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो गर्म मुद्दा कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि सर्वमान्य होना चाहिए, जो हाई कोर्ट जो कहेगी वो लोग हम लोग निर्णय मान लेंगे। तो तरह तरह के लोगों का मानना है कि जो तरह तरह का लोगों का अपना अपना मत है और लोग मानते हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगी वही जो है मान्य होगा जनता को, जनार्दन को, और कोर्ट के फैसले को ही जनता मानने को तैयार है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।